पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है, जो भारत कहेगा वो होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, BCCI का इन्फ्लुएंस क्रिकेट वर्ल्ड में काफी ज्यादा है और इसका लोहा खुद शाहिद अफरीदी ने भी माना है। और हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि आने वाले वक्त में क्या IPL के मैचेस बढ़ाए जाएंगे, और इसकी पुष्टि कर दी थी खुद BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने। और उन्होंने कहा था कि ICC के अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम से, यानी कि 2024 से IPL के लिए निर्धारित 2.5 महीने होंगे जहां पे ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन इससे PCB खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके इंटरनेशनल शेड्यूल बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी देश तो IPL में बिजी रहेंगे। इसीलिए वो ICC से चाहते थे कि बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड से होम मीटिंग। और इसी बात पे जब पूछा गया शाहिद अफरीदी से, तो उनका ये कहना था कि सब बात बाजार की है और फिलहाल के लिए भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है, तो जो भारत कहेगा वो होगा। और यहाँ तक कि 2 साल पहले बूम बूम अफरीदी ने ये भी माना था कि IPL एक बड़ा ब्रांड है, और ऐसे में बाबर आजम और बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना खेलना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करना है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि अफरीदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आपको कितनी ठीक लगती है हमारे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।